अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़े को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत अहम अपडेट जारी हो चुके हैं। आप अपना पैसा ज़ाया होने से पहले इस वीडियो को लाजमी से देख लें। काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में अभी भी पता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं जो आज अपडेट देने वाला हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। अगर दूसरा कोई मेरा भाई इस वीडियो को यहाँ से बंद करना चाहता है तो वो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन एंड में मैं जो वीज़े होल्डर वाले हैं जो छुट्टी पर गए हुए थे उनकी भी अपडेट आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज ये जो अपडेट शेयर करने वाला हूँ, पाकिस्तानी लोग अगर कोई देख रहे हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वाच करें, और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी टूरिस्ट वीज़ा जो है बंद किया हुआ है, लेकिन दोस्तों फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एजेंट लोग कहते हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। जब वो 50-60 हज़ार का खर्चा कर लेते हैं वीज़ा निकालने के लिए, तो उनका वीज़ा तो निकलता नहीं है, वीज़े अभी भी बैन है। तो उसके बाद उसकी जो पेमेंट होती है वो भी रिफंड नहीं की जाती। मैं आपको फिर से बताता चलूं, आज ये बहुत ही अहम अपडेट जारी हुआ है। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये धोखे हो रहे हैं कि आपको यूएई का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, आप चले जाएँ। तो जब वो अप्लाई करते हैं, अगर किसी को ऐसे फेक वीज़ा दे भी दिया जाता है, और जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनको बोर्डिंग कार्ड भी नहीं मिलता, आपके टिकट के पैसे भी जाते हैं और आपके विजिट वीज़े के भी पैसे जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही पाकिस्तानी वीज़े शुरू होंगे तो मैं आप दोस्तों को लाजमी से बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके थे कोविड-19 की वजह से वो नहीं आ सके, तो उनके लिए एक अहम अपडेट ये दी गई थी, जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए थे वो लोग जो है उनको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था। अब जिन लोगों के वीज़े वैलिड हैं वो सब आ सकते हैं यूएई के अंदर, उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।